हेलो फ्रेंड्स, हल्के गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं दिखाती हूँ आपको मेरे पौधे कि सर्दियों में कैसे हो रहे हैं। ये वही अरे का पाम है जो मैंने मंगाया था। देखिए इधर से इसकी पत्तियाँ सब ठीक हैं और इधर थोड़ा खुला है ये, तो ये देखिए इसकी पत्ती जल गई है। तो सर्दियों में अरे का पाम को अंदर ही रखना जरूरी है। ये थोड़ा सा निकल गया है तो ये जल गई है कुछ कुछ पत्ती, तो मैं इसको अंदर करूँगी ये। और इधर से बहुत अच्छा बन रहा है देखिए। और ये डिफिनलिया की वैरायटी है लाल वाली, ये भी अच्छा चल रहा है। और ये देखिए फर्न जैसी वैरायटी है, ये भी अच्छी चल रही है मेरी। और इसका क्या नाम है मैं भूल गई, लेकिन ये देखिए कटिंग से ही लगी हुई है ये तीनों में, कितने अच्छे से हो रही है मेरी। और इनको तो कोई सर्दी का फर्क ना गर्मी का फर्क, अच्छे से चल रहा है ये। तो ये पौधा अच्छा है और इसकी पत्तियां भी अच्छी हैं। देखिए ये बॉर्डर इसका वाइट कलर का और ग्रीन, तो अच्छी लगती है गार्डनिंग में। बिना फूलों के भी अच्छा रहता है ये पौधा। और जो मैंने कॉलेज की कटिंग लगाई थी वो देखिए सारी मेरी मर गई है, एक कटिंग ये रह गई है। और इनका पता चलेगा, और मेरी कुछ कटिंग्स मर गई हैं और इसमें से जो कटिंग लगाई थी ये वही है। और ये देखिए ये लेमन ग्रास सर्दी से सूख गई है, लेकिन ये तो नई निकल आएगी, फूटेंगी ये। ये मेरी कटिंग्स गुड़ैल की जो लगाई है हिबिस्कस की चल रही है मेरी। ये पत्थरचट्टा जो लेकर आएंगे ऐसे कैसे ही रखा हुआ है, पन्नी में ही लगा हुआ है। देखिए कितने अच्छे से हो रहा है ये। और इस पौधे का मुझे नाम नहीं है, मदर ऑफ थाउजेंड जैसा ही है ये, लेकिन इसका नाम मुझे पता नहीं। और ये देखिए एग्लोनिमा, ये ठीक है चल रहा है। ये डिफिनुलिया जैसे ही इसकी कोई वैरायटी है पतले पत्तों वाली, ये सही चल रही है। ये फर्न है, ये भी सही चल रही है। और ये जो उसको शुगर में खाते हैं पत्ते का, नाम मुझे पता नहीं पौधे का, लेकिन शुगर की बीमारी के लिए काम आता है। ये मेडिसिन प्लांट है और अच्छा चल रहा है। और ये मेरा अमरेला पाम, एक कैन में लगा दिया था मैंने बतख से निकाल के। और ये ब्रह्म कमल का पौधा, ये देखिए एक डंडी जैसी जा रही है। ये मेरे पौधे हैं अभी के, और ये जो पहले के रखे हुए हैं। थोड़ा बाहर चौड़ा है यहाँ पे, तो थोड़ी ओस की वजह से ये पत्तियाँ सूख गई हैं, लेकिन अच्छे से चल रही हैं क्योंकि नई पत्तियाँ आ रही हैं इसमें। ये देखिए सारे मेरे पौधे रखे हुए हैं ये देखिए। अब और क्रोटोन जो लगाया था सारे ठीक ठाक चल रहे हैं, क्योंकि ये छारे में रखे हैं, मतलब ओस में नहीं थे, ये थोड़ी बहुत ही ओस आती है इनको। तो ये मेरे पौधे सब अच्छे चल रहे हैं। और ये बर्नरिजू जो मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाई थी, तो ये भी सही चल रही है, नई पत्ती भी आ रही है इसमें। और ये देखिए ये भी इसी के साथ लगाइए, लेकिन इसमें नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, देखते हैं। और चलिए फिर बाय बाय। मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मेरे पौधे कैसे हैं तो वो भी बताइएगा। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।